ओबीसी समाज की जात न्याय जनगणना कर ओबीसी समाज के लिए राज्य में स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित किया जाए, साथ ही राज्य में मुफ्त शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं दी जाए। इस मांगों के साथ प्रमुख मांगों को लेकर भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन संघर्ष समिति ने यशवंत स्टेडियम पर धरना प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता संजय मिरे, इन्होंने इस संघ से बात की। दर्शकों नमस्कार, हम देखते हैं कि भारतवर्ष में यूं तो कई जाति धर्म और पंथ के लोग रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो जातियां होती है अलग अलग कैटेगरी में आती है, लेकिन आए दिन कुछ ऐसी भी जातियां हैं जिसको सरकार अपनी राजनीति करते हुए नजर आ रही है। किसी को जिसको मराठी में कहते हैं कि कोणी खाता तुपाशी आनी कोणी रातो उपाशी, किसी को मिलता है 10 रुपये तो किसी को मिलता है 100 रुपया, आखिर ये क्यों बदलाव होने जा रहा है? हर किसी जाति को एक जैसा समान अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? इस बात को लेकर आज भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली ओबीसी महाराष्ट्र प्रदेश बड़ी संख्या में ये लोग आप देख रहे हो यहाँ आए हुए हैं। कल ये लोग विधान भवन पे अपना मोर्चा लेके जाने वाले हैं, सरकार से दो हाथ करने वाले, सरकार को अपनी बातों से अवगत कराने वाले। आइए हम सीधा रुक करना चाहेंगे ये तमाम पदाधिकारी के पास और उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ओबीसी के जो अध्यक्ष है ईश्वर जी बालबुद्धे, उनसे सर ये बताइए कि सरकार आखिरकार अनदेखी क्यों कर रही है, क्या कहना चाहोगे आप? बेसिकली ये सरकार अभी सरकार में आई, मैं जो सरकार में आई वहाँ उनका कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं पिछले 5 साल से जो भाजपा सरकार थी जिसने आरक्षण से लेकर आरक्षण के मुद्दे पे वो चुनाव जीत के आई, लेकिन फिर वो धनगर का आरक्षण रहो और किसी का भी रहो, उन्होंने आरक्षण तो किसी को दिया नहीं, लेकिन जो हमारी ओबीसी की मांगे हैं, जो हमारी स्कॉलरशिप थी वो भी बंद कर दिया उन्होंने, ऐसा अनेक ओबीसी के साथ यहाँ नुकसान किया है जो ओबीसी का रोजगार हो और कुछ हो, लेकिन जहाँ ये संगठन की मांग है कि यहाँ ओबीसी की इस देश में जातीय जनगणना होना चाहिए, जिनकी जितनी शक्ति उनको उतनी उसकी भागीदारी मिलना ही चाहिए, इसलिए हम सब लोगों की, मैं भी उनके मांग के लिए उनके साथ हूँ और मैं भला ही हमारी सरकार होंगी और सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि जो ये मांग जो है ये जायज है और इसीलिए ये सरकार को, ये केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, हम राज्य सरकार को भी के ऊपर दबाव लाएंगे, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव लाएंगे, लेकिन जाति न्याय जनगणना होना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। बाकी मांगे ये सब हमारे साथी आपको बताएंगे, लेकिन अभी जिस सरकार में हम काम करते हैं वो सरकार के साथ भी लड़ने के लिए हम तैयार है, हमारे तो तैयार रहना ही पड़ेगा। जब कोई अपना वाला अपनी नहीं सुनता है तो उसके लिए दुआ करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी ये बात कही थी कि वो अपना हो या परा है, लेकिन जहाँ धर्म युद्ध की बात रहती है और अपने हक की बात होती है वो कोई अपना होता नहीं, तो फिर ये राजकारण राजनेताओं का क्या? सर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, आपकी प्रमुख मांगे क्या है? मैं भारतीय पिछड़ा ओबीसी शोषित संगठन का महाराष्ट्र का समन्वयक प्राध्यापक रमेश पिसे। कई सालों से ये समस्या जो कि तो बनी है, क्योंकि पहली सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, केंद्र की हो या राज्य की हो, आपकी प्रमुख मांगे क्या है? ओबीसी की जातनी है जनगणना होनी चाहिए, उसके सिवा ओबीसी की कोई समस्या हल नहीं हो सकती, ये हमारी प्रमुख मांग है। और इस मांग को लेके चाहे फिर वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनसे जिस किसी प्रकार का टकराव करने की बात है या बात करने की बात है या संघर्ष करने की बात है, उसके लिए आने वाले दिनों में भविष्य में हमारा ओबीसी संगठन तैयार है और उसके लिए हमारी मांगों के लिए अभी हम हमारे खुद के पांव पे खड़े रहने के लिए सक्षम है। पूरा 23 स्टेट में हमारे संगठन का ताना बाना बना हुआ है, आगे की हमारी लड़ाई पॉलिटिकल होंगी। धन्यवाद। बिल्कुल, आगे की लड़ाई जो पॉलिटिकल होंगी ऐसा रमेश पिसे जी इन्होंने कहा है। अब हम सीधा रुक करने चाहेंगे अध्यक्ष गोरे जी हमारे साथ में। गोरे साहब, यदि सरकार ने आपकी बातों को दरकिनार किया, नजरअंदाज किया, तो आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन यह पूरे भारत वर्ष में करीब 23 राज्यों में स्थित है, 23 राज्यों में इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, और हम चाहते हैं कि अगर भारत सरकार यह बात नहीं सुनती है तो अगला कार्यवाही जो है वो ओबीसी अपना डिप्लोमेसी तय करेगा और डिप्लोमेटिक वे से ओबीसी काम करेगा, और आने वाले दिनों में इस सरकार को हम धक्का देने वाले हैं, ये बात तय है। ओबीसी की रणनीति क्या होंगी ये पूछे जाने पर उन्होंने खुल के बात तो नहीं की, मगर कुछ ना कुछ जरूर कहा गया है कि सरकार ध्यान दे, वरना वो दिन दूर नहीं जब पूरा ओबीसी सड़क पे आएगा, जम के आंदोलन करेगा। कुछ भले पदाधिकारी हमारे साथ में, उनसे जाना चाहेंगे, तय क्या कहना चाहोगे आप?
मैं बीपीएसएस की प्रदेश सदस्य हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक जो भी सरकार आए हैं उन्होंने हमारे ओबीसी को गुमराह किया है, लेकिन इस बार ओबीसी जागरूक हो गया है और हो भी रहा है। तो इस बार सरकार हमारे ओबीसी की जात न्याय जनगणना जो मेन समस्या है वो होनी चाहिए, ऐसी मैं पूरी ओबीसी वर्ग से, पूरी महिला वर्ग से निवेदन करती हूँ। अगर सरकार ने ये मांग हमारी नहीं मानी तो हम ओबीसी क्या चीज है हम दिखा देंगे। इसमें नारी शक्ति भी पूरी तरह शामिल है। मैं सुनीता काले, विदर्भ अध्यक्ष, और हमारी प्रमुख मांग है कि हमारी जातीय जनगणना होनी चाहिए, कि जब हमारी जातीय जनगणना होगी तभी ओबीसी के लिए हमारा स्वतंत्र बजट बनेगा और हमारी ओबीसी की जो समस्या है वो सुलझने में हमको कुछ तो राहत मिलेगी। इसलिए हम प्रमुख मांगनी करते हैं कि हमारी जातीय जनगणना हो और सरकार से हम निवेदन करते हैं। अगर सरकार ये निवेदन नहीं मानते हैं तो हमारे गोरे साहब ने जो बताया, हमारी आगे की डिप्लोमेसी, ओबीसी जो भी पक्ष में है वो अपने तरीके से वो पक्ष में रहेंगे, लेकिन हम बाहर वाले जो ओबीसी है वो बता देंगे कि हम आपके पक्ष में रहने वाले ओबीसी को क्या बताना है। हम बाहर वाले उनको धक्का देंगे और ओबीसी की हमारी मांग है वो हम अपने सरकार के सामने रखेंगे और ओबीसी की डिप्लोमेसी हम पूरी करके ही रहेंगे। पूरे भारतवर्ष के अंदर में 60% ओबीसी इस देश के अंदर में है, और 60% ओबीसी होने के बावजूद भी 1931 में इस देश में ओबीसी की गणना हुई थी। उसके बाद में अभी तक जितने भी गणना हुई उसमें ओबीसी की गणना नहीं हुई। आज इस देश के अंदर में कुत्ते की गणना हुई है, बाघ की गणना हुई है, हर पक्षी की गणना हुई है, लेकिन जो ओबीसी जो व्यक्ति है, जो ओबीसी प्रवर्ग में वो जन्मा है, उसकी गणना इस देश में अगर होती नहीं है, इसका मतलब ये है कि इस भारत में ओबीसी को रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको कोई अधिकार, उसको कोई हक इस गवर्नमेंट को नहीं देना है, और पिछली जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की उसको भी देना नहीं था। इसलिए आज ओबीसी की जो अवस्था है, आज ओबीसी की गणना नहीं होने की वजह से ओबीसी अलग अलग समस्याओं के साथ में जूझ रहा है, ये विद्यार्थी जूझ रहा है। ओबीसी की ओबीसी वर्ग के लिए कोई हॉस्टल नहीं है, ओबीसी का ओबीसी वर्ग के लिए जो शिष्यवृत्ति वो भी नहीं मिल रही है। ओबीसी की सारी समस्या जातीय जनगणना के आधार पर सुप्रीम कोर्ट भी ये पूछता है कि ओबीसी देश में है कितना, और ये गिनने को तैयार नहीं है। इस देश का कुत्ता गिना जा रहा है, लेकिन एक देश का ओबीसी नहीं गिना जा रहा। इसलिए आने वाले सालों में अगर ओबीसी की जातीय जनगणना नहीं होगी तो आने वाले दिनों में भारत के हर खासदार को, भारत के हर आमदार को हम घेराव करेंगे, और आने वाले दिनों हम इशारा देते हैं इस धरना आंदोलन के माध्यम से हम उनका जिना हराम कर देंगे। बिल्कुल, तो आप थे ये तमाम पदाधिकारी जिन्होंने बखूबी और बेबाकी साथ बात करते हुए ये कहा कि यदि ओबीसी के बारे में अगर सरकार ध्यान नहीं देती, जनगणना निहाय के तहत जो है उनकी जो बात रखी नहीं जाती, जैसे कि उन्होंने कहा कि कुत्तों की गिनती होती है, बाघों की गिनती होती है, जंगलों की गिनती होती है, समंदर की गिनती होती है, हवाओं की गिनती होती है, पानी की गिनती होती है, इंसानों की गिनती होती है, मगर इंसान जिस कैटेगरी में आता है, जो लोगों ने जो नियम जिस दायरे जो रख दिया है, जैसे कुंभी तेली माली नावी सोना चंबर लोहा सुतर तम धनगर, ये तमाम ओबीसी में आते हैं, मगर ओबीसी की जनगणना नहीं हुई है, जिसके चलते आज ओबीसी के बच्चे हो, विद्यार्थी हो या हो फिर वो पालक, उनको तिल तिल मरना पड़ रहा है, उनको सरकार की कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। अन्य कैटेगरी के लोगों को मिल रही है, वही सुविधा ओबीसी को मिले यही शहर की जनता चाहती है। सरकार इस ओर ध्यान दे और सब ओबीसी को अपना समझ के उन्हें न्याय दे, यही आज के समय की मांग है। नागपुर के यशवंत स्टेडियम से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरा, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।